हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हम जो चीरहरण लीला के बाद भगवान सुखदेव गोस्वामी के यज्ञ पत्नियों का कैसे उद्धार किए वो लीला का वर्णन करते हैं और कहते हैं, अथ एक समय की बात है ग्रीष्म ऋतु में, जब भगवान गर्मी से, वास्तव में वृंदावन तो ब्रज का ऐसा धाम है कि वहां पे हर चीज भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त है, तो भगवान ग्रीष्म ऋतु में निकल पड़ते हैं यमुना के तट से होते हुए। जब वो अशोक वन में आते हैं और वहां पर पहुंच करके जब वृक्षों की महिमा बतलाते हैं तो सारे ग्वाल बाल भगवान से कहते हैं, क्या कहते हैं उसी चीज को आज हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज भागवत के दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मा के जी के प्रार्थनाएं थी, 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अहो भाग्यम नंद व्रजो कसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बहुत बड़ा भाग्य है, अहो भाग्य बार बार कह रहे भाग्य है किसका, नंद सिर्फ नंद के नहीं, नंद के ब्रज में हरेक गोप गोपियों का ऐसा अद्भुत भाग्य है, सौभाग्य है कि परम आनंद संपूर्ण सनातन परम ब्रह्म उनके यहाँ पे लीला कर रहे हैं। आज उसी लीला को हम देखेंगे, सुनेंगे और सबसे अद्भुत चीज आज जानने को मिलेगी यज्ञ पत्नियों के द्वारा कि हम जैसे जो साधक हैं, जिनकी जीवन की अभिलाषा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ऐसे समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और विशेष आज एक और चीज देखेंगे कि स्त्रियों का जो भाग्य है, सौभाग्य है, अक्सर कई बार लोग कहते हैं स्त्रियों का सौभाग्य क्या है, कुछ नहीं है, पर इन लीलाओं से हम जानेंगे स्त्रियों का जो सौभाग्य है वो अद्भुत है। ये ना तो ब्राह्मण ना कुल में ऊंचे कुल में जन्म या वेदों का अध्ययन तपस्या योगी जन को जो संभव नहीं है वो इन स्त्रियों ने करके दिखला दिया। आखिर ऐसा भाग्य उनको कैसे प्राप्त हुआ, इस चीज का चलते हैं दसम स्कंद के उस 23वें अध्याय में जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बतला रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंद अध्याय 23वां पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ग्वाल बाल जब भूख से पीड़ित होते हैं, ग्रीष्म ऋतु जो कि गर्मी के ये सीजन जैसे अभी है, उसमें थकान के कारण वो क्या कहते हैं, राम राम महाबाहो
कृष्ण दोषी दुष्ट निर्वण ऐसा वे बाधते क्षुत्र ऐसा बाधते क्षुत्र तत्शांतिम कर तुम अर्हत। कह रहे हैं ग्वाल बाल, हे कृष्ण हे बलराम, हम भूखे हैं। हमारे आचार्य कहते हैं जीव गोस्वामी, वास्तव में ग्वाल बाल अपने भूख के कारण नहीं बोल रहे होते, उनको लगता है कि राम बलराम और कृष्ण को भूख लगी होगी। लेकिन अगर डायरेक्ट बोलेंगे कि बलराम और कृष्ण तुमको भूख लगी, हमको हम लोग भोजन कहीं से उपलब्ध कराते हैं, भगवान कहेंगे नहीं 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 कोई भूख नहीं लगा। इसलिए वो कह रहे कि हमें भूख लगी है। और कह रहे हैं कि देखो हम इतने दूर गौचारण करते हुए निकल आए, ठीक है, और तुम बात कर रहे हो वृक्षों की महिमा की कि बहुत उदार हैं ये लोग, लेकिन कहाँ खाना पीना है। ये हमारे को छाया तो दे दे रहे हैं पर फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अशोक वन है, इसके फल है, फूल है। और कह रहे हैं कि हमारी भूख शांत नहीं होगी इन फूलों से। इसलिए कह रहे हैं क्या कि जैसे आपने कई बार दुष्टों से हमारी रक्षा की, अघासुर बकासुर और कितने जाने असुरों से रक्षा किए, तो आज हमको भूखासुर, जो भूख से हम पीड़ित है उस असुर से हमारी रक्षा करी। दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णित करते हुए कह रहे हैं कि अरे जिस भगवान का स्मरण करने से संसार की भूख चली जाती है, व्यक्ति के अंदर संसार का भूख कहने का अर्थ है इच्छा इस संसार में, या किसी प्रकार की कामना वासना वो समाप्त हो जाता है, ऐसे श्री हरि के परम बंधु ये सुदामा श्रीदामा सुबल तो कृष्ण अंशु मंडलीभद्र विजय विशाल, ये जो भगवान के बंधु हैं, जो गोप है सखा हैं, वो उस हरि से ये कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भूखों का निर्वाण करिए। क्यों कह रहे हैं? तो जब इस प्रकार से निवारण की बात कर रहे हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि ये अच्छा मौका है कि मैं यज्ञ जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं जिन्होंने आज तक मुझे कभी दर्शन नहीं मेरा किया है, आज उनके जो चाहत है अभिलाषा है मेरे दर्शन की, उसको पूरा करना होगा। और इस प्रयोजन को रखते हुए भगवान कहते हैं अपने गोप सखाओं से कि देखो ये तो वन है, यहाँ पे फल तो नहीं मिलेगा, और हम वापस भी जाते जाते संध्या हो जाएगी अगर हम घर जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? निकट ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कुछ ब्राह्मण, भगवान कह रहे ब्राह्मण वादिता यानी वेदवाद, वेदवादी बोल रहे हैं, वेदज्ञ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं देखेंगे। वेदज्ञ कहने का अर्थ होता है वेदों का अध्ययन कर जिन्होंने किया, जिनको सार पता है, और वेदवादी मतलब जो सिर्फ वेदों को जो श्लोक हैं इत्यादि को बस, जैसे तोता रटता है ना, तोता को बोलो ये तो तोता वही बोलता है, वैसे वेदवादी। तो भगवान कह रहे हैं कि निकट ही ये ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अंगीरस, तो वहां पे जा करके तुम अन्न मांगो, उनसे भिक्षा मांगो। मान लीजिए ये बालक कहें कि नहीं 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 हम कैसे मान सकते हैं, हमें संकोच हो रहा है, तो भगवान कहते हैं वहां पे जा करके तुम भगवत अर्चस्य माम चाधि चामिधाम,
तुम वहां पे ये जाकर के बोलना, हमारा नाम लेना कि राम बलराम और कृष्ण भूखे हैं, और उनसे मांगना। और देखो वे ब्राह्मण जो हैं दयालु हैं, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। लेकिन भगवान तो जानते ही थे कि ये तो वेदवादी लोग हैं, वेदज्ञ, ये तो जानते नहीं कि परम धर्म सारे वेदों का सार भगवान कहते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदसन्नविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्व अहम एव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों का सार हे अर्जुन मुझको ही समझना है। तो ये जो ब्राह्मण थे, ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे जिनका लक्ष्य था स्वर्ग की प्राप्ति करना। तो ये वेदवादी के पास जब ये गोप सखा आनंदित हो गए भगवान के वचनों से कि चलो ठीक है हम जाएंगे, वहां पे मिलेगा कुछ खाने के लिए, भगवान की कुछ सेवा हो जाएगी, राम और कृष्ण के लिए हम कुछ फल लेकर के आ जाएंगे, तो उत्साह के साथ ग्वाल बाल चल देते हैं कुछ ग्वाल बाल और निकल जाते हैं। और कृष्ण का भोजन, ये सोच करके कि हम कृष्ण को भोजन कराएंगे क्योंकि हम उनके दास हैं, ये सोच करके चल देते हैं। वहां पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं अरे हजारों वेदों, ये वेद जो होते हैं यज्ञ, कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ब्राह्मण, कोई आहुति दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई साम वेद से गान कर रहा है, और सब एकदम इंद्राय स्वाहा इदम नाममा अग्नेय स्वाहा, ऐसे उच्चारण कोई गान कर रहा है वेदों का, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पिवाय स्मरे पुंडरीकाक्षा सबाय भयंतरा सुचे, इस तरीके से कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है वहां पे, सब जगह भगवान वो यज्ञ की सामग्रियां रखी हैं, द्रव्य रखा है और आहुति दी जा रही अग्नि में। ये देख करके, लेकिन देखिए इसीलिए ना, प्रयोजन क्या है किसी कार्य को करने का, वो तो हम और परमात्मा जानते हैं बस। ये जो वेदवादी जो थे, ये कर्मकांडी ब्राह्मण याज्ञिक ब्राह्मण, इनका जी लक्ष्य क्या था, सुखदेव गोस्वामी करे स्वर्ग की प्राप्ति, यानी इनका स्वार्थ सिद्ध था, इनका अपना स्वार्थ था। जैसे हम भी कई बार कुछ करते हैं जीवन में, मान लीजिए आज कुकिंग में चले गए अपने राधा रमन प्रभु की सेवा करने, क्यों, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बन रहा है, तो उस स्पेशल बनाते बनाते में हमको भी कुछ स्पेशल मिल जाए, इसलिए उस उद्देश्य से हम गए किचन में सेवा के लिए। तो वैसे ही ये यज्ञिक ब्राह्मण का देश क्या था, स्वर्ग की प्राप्ति। इनको जब ग्वाल भालों ने देखा तो क्या कहते हैं यहाँ पे, दंडवत पतिता भूवी, क्योंकि इतने ब्राह्मण थे, वेदों का अध्ययन किए हुए ब्राह्मण थे, ये ग्वाल बाल दंडवत भूमि पे गिर, जैसे डंडा गिरता है वैसे भूमि पे गिर करके प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके फिर कृतांजलि पुटी, यानी दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं ग्वाल बाल। और सबसे पहले कहते हैं, आपका जो यज्ञ का अनुष्ठान हो वो मंगलमय हो, आप जो यज्ञ के फल की प्राप्ति करना चाहते हो वो आपको प्राप्त हो, ऐसे ग्वाल बाल उनकी प्रशंसा करते हैं। और कहते हैं कि निकट ही में आपके यज्ञ के स्थान से निकट में ही कृष्ण और बलराम आए हैं, राम और कृष्ण आए हैं, दरअसल हम लोग गोचारण करते करते वनों की शोभा देखते देखते निकल गए बहुत दूर, और इस कारण हम थक गए हैं और हमको भूख लग गई है। कृष्णस्यादेश कारिणा, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के आदेश पे, हम अपने मन से नहीं आए, कृष्ण और बलराम
शायद उनको लगा कि वेदों का अध्ययन कर रहे हैं तो जानते होंगे कि कृष्ण कौन है, परम नारायण साक्षात परम ब्रह्म है, तो उनके आदेश पे आए हैं, इसलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं हमें कुछ अन्न दे दीजिए। और जब उस तरीके से देखते हैं कि ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कोई कभी कभी कोई कुछ बोलता है ना तो हम ध्यान ही नहीं देते, निग्लेक्ट कर देते हैं, तब वो बोलते हैं धर्म की बात करते हैं। क्या कहते हैं धर्मशास्त्र में एक श्लोक आता है, हमारे आचार्य कहते हैं अतिथि यस्य भग्नासो गृहत प्रतिनिवर्तते, अगर आपके किसी गृहस्थ के घर में अतिथि आता है और अगर अतिथि का हम कुछ भी सम्मान नहीं करते, कम से कम पानी, आजकल तो कुछ नहीं होता है, बिहेवियर डॉग्स लिख देते हैं, अगर सम्मान नहीं करते ना तो क्या होता है, अगर उसको धुतकार देते हैं तो अतिथि का जो भाग्य है ना, जो उसका पाप है वो गृहस्थ को चला जाता है और गृहस्थ का जो भी पुण्य धर्म है वो अतिथि को चला जाता है। इसलिए कह रहे कि आप कृपया करके ऐसे नकारिए नहीं, आप तो खुद वेदों के धर्मों को जानने वाले हैं, ऐसा कार्य मत करिए। और कहते हैं कि हो सर हम तो बालक हैं, गोप जाति के हैं, हम आपको धर्म की बातें क्या बतलाएं, हम तो धर्म की बातें नहीं बतलाना चाहते हैं, बस हम आपको आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इसलिए हमने ये बात बोली। वास्तव में आप तो खुद ही वेद विद हो, वेद को जानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं। रामा अच्युतो, और देखिए रामा अच्युतो सिर्फ दो लोग के लिए भोजन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। रामा अच्युतो, अरे बलराम और अच्युत, भगवान अच्युत को चाहिए, जो कभी च्युत नहीं होते हैं अपने पोजीशन से, उन भगवान राम और अच्युत को चाहिए कृपया करके आप भोजन दे दीजिए। मान लीजिए वो कहते कि अरे आप भोजन कैसे मांग रहे यज्ञ का, क्योंकि वेदों में आता है एक श्लोक, दीक्षितानम ना भुंजिता, जो दीक्षित होते हैं, दीक्षित मतलब इनिशिएशन जैसे कहते हैं ना, जो यज्ञ को स्टार्ट करते हैं जो, तो उन दीक्षित जो ब्राह्मण होते हैं उनका भोजन आप नहीं ले सकते शास्त्रों के अनुसार। तो लेकिन कहते हैं कि ये तो सौत्रामणि, सौत्रामणि कहने का अर्थ है कि जो इंद्र देवता के लिए यज्ञ किया जाता है वो सौत्रामणि, तो ये तो आपका सौत्रामणि यज्ञ है ही नहीं, हमें पता चला है कि ये तो अंगिरस यज्ञ है, इसमें आपको स्वर्ग की इच्छा है, आप इंद्र के लिए यज्ञ तो कर नहीं रहे हैं, तो कृपया करके हम, देखिए कितना ग्वाल बाल है लेकिन सब शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए कह रहे हैं शास्त्र विरुद्ध बात नहीं कर रहे, कह रहे हमें पता है कि ब्राह्मण दीक्षित ब्राह्मण जो ब्राह्मण होते हैं जो यज्ञ प्रारंभ कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं, उनका भोजन नहीं लेते हैं, लेकिन आप जो है सौत्रामणि यज्ञ नहीं कर रहे, इसलिए आपका अन्न खाने में कोई दिक्कत नहीं और बलि हो भी चुका है, तो इसलिए वो हमें अन्य कुछ दे दीजिए। जब इस प्रकार से विनय सदाचार धर्म और वेद के वाक्यों के अनुसार निवेदन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना करते हैं, अरे फिर भी एक टक भी देख लेते तो कुछ तो आदमी बोल देता कि चलो देखा, देखा तक नहीं, सुना तक नहीं, अनसुना कर देना। और क्या लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं बालिसा वृद्ध मानिना, देखिए इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों अनुष्ठानों और वेदों शास्त्रों का ज्ञान तपस्या हमको ये नहीं बता देता कि हम वृद्ध हो गए हैं, हम ज्ञान से वृद्ध हो गए हैं, नहीं, शास्त्रों का ज्ञान धर्मो अतिथि धर्म भी बताया फिर भी इनको कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए यहाँ पे हमारे आचार्य कहते कई बार आप देखेंगे लोगों के करनी और कहनी में अंतर हो जाता है, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में और उनके बात में अंतर होता है, क्यों, क्योंकि उनका मन कहीं आसक्त होता है, जैसे इन ब्राह्मणों का मन आसक्त है हमें तो अपना यज्ञ पूरा करके स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, वो ये भूल गए कि यज्ञेश्वर, यज्ञों के जो ईश्वर हैं स्वयं नारायण,
उनके समक्ष आए हुए हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो लोग जो ये ब्राह्मण थे, यज्ञिक ब्राह्मण, सब कुछ स्थान समय सामग्री पुरोहित देवता यजमान हवि सब चीज का उन्होंने ध्यान रखा, लेकिन जो सब चीज के स्रोत हैं वो कृष्ण को समझ नहीं पाए। अरे जब आदमी गुलाबी रंग का अगर चश्मा पहनेगा तो कैसा दिखेगा उसको? सब चीज गुलाबी, सिंपल सा चीज है। गुलाब रंग का हरा रंग का चश्मा पहनेगा तो हर जगह उसको हरा ही दिखेगा, कहेगा वाह क्या सब जगह हरियाली है। उसी तरीके से अगर हम भी भोग इच्छाओं का चश्मा ओढ़े हुए हैं तो शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र को पढ़ने के लिए गुरु का आशीर्वाद, प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा भी चाहिए। क्यों हम ये हमारे इतने आचार्य श्रीधर स्वामी से लेकर सनातन गोस्वामी, कुछ हम भी बोल सकते कि हम भी आज कुछ साक्षात्कार हुआ है आपको बतलाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा साक्षात्कार हमारे आचार्यों के साक्षात्कार से अलग नहीं होना चाहिए। जब नहीं बात माने, ग्वाल बाल बेचारे निराश होकर के लौट चले गए। क्या करते अभी, सुने ही नहीं। अरे वो देखा तक नहीं। आप मान लीजिए किसी को कितना बोलते रहेंगे, ए हरि बोल, विशाल प्रभु विशाल प्रभु विशाल प्रभु विशाल प्रभु, विशाल प्रभु सुन ही नहीं रहे हैं। तो उस तरीके से वो चले गए और जा करके निराश हो करके भगवान को सब कुछ बतलाते हैं कि हे राम और कृष्ण, आपके कहने पे हम गए थे वहां पे। अरे इससे अच्छा तो हम वापस चले गए होते, अभी घर पहुंच के खा रहे होते हैं माँ के हाथ से माखन रोटी। वहां पे गए, समय भी व्यर्थ हुआ, कुछ नहीं मिला, अब क्या करें? भगवान हंसते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। महाभारत में भी कई बार भी अगर किसी ने भगवान को जैसे श्राप भी दिया गांधारी ने, या कहीं पे भी जब द्रौपदी भी भगवान को डांटती है तो भगवान बड़ा आश्चर्यचकित है कि भगवान मुस्कुराते। अगर सोचिए आपको कोई डांटे आप मुस्कुराएंगे? नहीं, दुख हो गए। यहाँ पे भी भगवान हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? हमारे आचार्य कहते हैं भगवान ये सोचते हैं कि देखो मेरी माया के कारण व्यक्ति मुग्ध इतना है कि परम भगवान जो कि उसके जो जीवन जो जो आत्मा का लक्ष्य होता है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो छोड़ करके मेरी माया में इतना मुग्ध है। लेकिन कोई बात नहीं, उनका भी उद्धार करना ही होगा, इसलिए भगवान हंसते हैं, उनको खेद नहीं होता। और कहते हैं कि दर्शयान लौकिकम गतिम, क्या कह रहे हैं भगवान यहां पे? कह रहे हैं कि देखिए दो चीज है, दिखा रहे हैं दर्शन दर्शन दर्शयान लौकिकम, बतला रहे कि मांगने वाले को जल्दी लोग कुछ नहीं देते हैं। अक्सर हम भी देखते अपने जीवन में, हम लोग बोलते हैं भगवान के लिए ये चीज है, लोग जल्दी नहीं दान देते हैं। तो यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं कि जो मांगता है ना इस जगत में उसको भीख नहीं मिलती। भीख में आपको 2 रुपया मिल सकता है, 2 एकड़ का जमीन नहीं मिलता। बहुत कम बिरले होते हैं जो दान इस भाव से करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं देखो भिक्षुक को हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, जैसे साधु भिक्षुक जो होते हैं क्षमाशील। मतलब ऐसा नहीं कि दान दिया दान नहीं मिला, हे दान नहीं दिया अभी बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है नहीं दिया नहीं दिया। श्राप नहीं देता साधु कि दान नहीं दिया तुम्हारा सारा नष्ट हो जाए, शेयर मार्केट पूरा शेयर गिर जाए, बर्बाद हो जाए, नहीं दिया 1 रुपया, नहीं ऐसा नहीं। वो कभी भी साधु भिक्षु भगवान कह रहे क्षमाशील होना चाहिए। और कह रहे हैं कि देखो
पुरुष का हृदय कठोर होता है, अक्सर हम भी ये देखते हैं हमारे संस्था में भी कई बार जब हम दान मांगते हैं तो पुरुष से अगर आप प्रभु जी लोग से मांगेंगे तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एक बार पूछ करके बताते हैं, किससे, घर की गृह मंत्री से, मालकिन से। तो इस तरीके से माता जी से वो फिर पूछते। तो इसीलिए भगवान भी कह रहे हैं कि पुरुष का जो हृदय कठोर होता है, तुम लोग को वापस नहीं आना चाहिए था। तो ग्वालवाल कहते फिर क्या करना चाहिए था भगवान, अरे वहां पे उनकी पत्नियां भी थी, उन पत्नियों के पास जाना चाहिए था, उनकी ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, और वहां पे जा करके देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं भगवान। धिया बुद्धि, बस तुमको वहां पे जा करके बोलना था कि अरे दूर में निकट ही गोचारण करते हुए राम और कृष्ण आ गए, बस तुमको मांगना भी नहीं है कुछ। ऐसा क्यों भगवान? क्योंकि भगवान कहते हैं वो मुझसे प्रेम करती हैं, वो समझ जाएंगी अपने बुद्धि से, क्योंकि अभी भरे ही धूप है। देखिए जब आदमी प्रेम करता है ना, जहां स्नेह होता है ना, उसको ज्यादा बतलाना नहीं पड़ता है कि ये करो ये करो। फर्स्ट क्लास जो डिवोटी होते हैं उनको समझ में आ जाता है, बस अच्छा क्या करना है, ओ हो हो हो, यानी राम और बलराम कृष्ण आए और ये दोपहर में, ओ हो हो, उनको कुछ तो देना होगा खाने के लिए, वो बस तुमको कुछ बोलना भी नहीं है, याचना नहीं करना, जा करके बस बोलना कि कृष्ण और बलराम निकट में आ गए हैं गोचारण करते हुए, बस इतना। जब इस प्रकार से ग्वाल बाल को बोला भगवान ने, तो प्रणाम स्वीकार करके भगवान को फिर कहते अच्छा ऐसा है, उत्साहपूर्वक चल दिया। और जा करके जब वहां पे यज्ञ स्थल पर जा करके देखते हैं, देखिए अभी जहां यज्ञ होता है, यज्ञ स्थल में ब्राह्मण भी होते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नियां भी होती हैं। ब्राह्मण यहाँ पे यज्ञ कर रहे होते हैं, पत्नियां क्या करती हैं, रसोई मतलब की जो किचन होता है वो किचन संभालती रहती हैं। तो ये जो यज्ञ पत्नियां थी, ये वास्तव में भगवान की जो लीलाएं थी ना वो सुनती थी, कभी भगवान को देखा नहीं था। ये मथुरा के लोग थे, मथुरा से बहुत निकट में था ये यज्ञ पत्नियों का जो यहाँ पे यज्ञ हो रहा था। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब भी जैसे कुछ लीला कोई गोपी सब कहती थी, बात करते हुए जाती थी माखन बेचते हुए, अरे कृष्ण ने आज ऐसा किया, तो ये बस सुनती थी, इन्होंने सुना था, कभी भगवान को देखा नहीं था इन्होंने। इन्होंने सुना और देखिए सुनने से क्या हो गया, इनको प्रेम हो गया। और जब भी ये या पाकशाला ये जो रसोई में जब सारी स्त्रियां आपस में, बहुत से ब्राह्मण थे, बहुत से ब्राह्मण की पत्नियां आकर के एक साथ जब रसोई में बात, तो चर्चा का विषय क्या होता था, कृष्ण ने, अरे कृष्ण का सुना है उसने बकासुर को मारा, अरे कृष्ण ने सुना वो ऐसे आज किया, अरे कृष्ण आज माखन चोरी किया उनके घर में, यही उनकी चर्चा होती रहती थी। बैठ करके यही चर्चा करते हुए वो यज्ञ के लिए भोजन बना रही होती है। लेकिन पति सेवा परायण होने के कारण, कोई कह सकता है कि कभी देखने क्यों नहीं कहीं, क्योंकि पति सेवा परायण के कारण वो कभी कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। और जब ग्वाल बाल वहां पे पहुंचे तो उस समय भी वो कृष्ण की ही कथा चर्चा कर रही होती हैं। ग्वाल बाल तो कहते अरे हम पहले क्यों नहीं गए इनके पास, ये तो एकदम भगवान के मंत्र मुग्ध हैं, और प्रणाम करते हैं उन यज्ञ पत्नियों को। और यज्ञ पत्नियों को प्रणाम करके जब यज्ञ पत्नियां उनको देखती हैं इन ग्वाल बालों को, तो ग्वाल बालों को एक्चुअली में वो लोग देख ही नहीं होती हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग कृष्ण के चिंतन में इतना मग्न होती है आपस में कि वो देख नहीं पाती ग्वाल बाल। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि आपको मेरा प्रणाम है हे ब्राह्मण पत्नियों, तो उनका ध्यान जाता है ग्वाल बाल की तरफ। अरे तब उनको समझ आता है अरे हम लोग जो सुनते थे ग्वाल बाल कि ऐसे इनका वेशभूषा को देख करके उनको समझ में आ जाता है ये सब कृष्ण से संबंधित हैं, और उनके अंदर इच्छा जाग जाती है कि शायद आज हमें कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। तो वहां पे जब ग्वाल बाल अब एकदम बेफिक्र हो जाते हैं, देखिए भगवान ने इस बार बोला था कुछ नहीं बोलना है,
तो इस बार कितना बोल रहे हैं, कह रहे कि अरे राम और कृष्ण बगल में आए हैं, वन में गोचारण करते करते बेचारे थक गए, भूखे हो गए, कोई लाज शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना, कहीं अपना अगर अपनापन लगता है तो लाज नहीं लगता है व्यक्ति को, अरे ये तो अपनापन है, अपना घर है। उसी तरीके से यज्ञ पत्नियों के मुख से जब कृष्ण की चर्चा सुनी तो ये कहें अरे ये तो कृष्ण को इतनी प्रेम करती हैं, इसलिए वो बोल देते हैं कि अरे कृष्ण भूखे हैं, वो बगल में है। बस इतना बोलना ही था कि कृष्ण भूखे हैं, यज्ञ पत्नियां जो थी वो मात्र भगवान का नाम सुन करके राम कृष्ण क्षुब्ध, कि कृष्ण राम का नाम ही सुनी, उसके आगे सुनी ही नहीं, उनका तो पूरा चित्त उधर भगवान के चलन चला गया। और हमारा खास करके मैं अपना बता रहा हूँ, जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा तो कृष्ण के चित्त को छोड़ करके पूरा दुनिया में चित्त चला जाता है। यहाँ पे अब उनके अंदर जो इच्छा हो गई, लालसा हो गई, अधीर हो गए, अधीर होकर के एकदम पागल हो गए कि कृष्ण भूखे हैं। सोचा ना सुना, उठाया बड़े बड़े हंडी जो जिसमें भोजन बने थे, एक एक ब्राह्मण पत्नियों ने उठाया, अपने सिर पे रख करके स्वयं चलने लग गए। आप कहेंगे कि अरे इनको तो दे सकती थी, उनको होश ही नहीं था, दुनिया का कुछ होश ही नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, वो तो इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि स्वयं उठा करके चलने लग गए। और चलने भी लग गई, यहां तक हमारे आचार्य कहते कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कुल मर्यादा या भय नहीं किसी चीज का, क्योंकि आज तक जैसे ये जब की बात हो रही है तो स्त्रियां ऐसे नहीं निकल जाती थी, वो भी ब्राह्मण कुल की स्त्रियां थी। तो ये देख करके, और कैसे व्यंजन, ऐसा नहीं, कई बार अक्सर हम क्या करते हैं, दान क्या करते हैं भगवान को, जो चीज हमारे घर में बोझा है, चलो ये कार बेकार है, दान कर दो मंदिर में। क्यों? एक तो दान भी हो गया, दूसरा बोझा भी हल्का हो गया, ये सोफा फट रहा है मंदिर में दान कर दो। ऐसा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं चतुर्विद बहु अन्नम बहु गुणम मंगलम आदये भोजने, चार प्रकार का भोजन। ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं ना चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, चार प्रकार का जो भगवान को भोग लगाया जाता है, जो खाने वाला, एक पीने वाला, एक चूसने वाला, एक चाटने वाला। तो उस तरीके से ये सारे, ऐसा नहीं चलो ठीक है थोड़ा बहुत लेकर के, अब बहु गुणम जो बेस्ट बेस्ट चीज था इसमें, अरे नहीं ये ज्यादा बेस्ट है वो लेकर के जाती है, ऐसा नहीं कि ओ चलो ये जल गया यही दे देते हैं, नहीं। और निकल गए, और जब वे भोजन सिर पर रख करके चलने लग गए तो पीछे पीछे ग्वालबाल चल रहे होते हैं। इधर इनके ये जो यज्ञिक जो ब्राह्मण होते हैं यज्ञ में, अचानक से वो देखते हैं यहाँ पे आहुति डाल रहे हैं, और देखते हैं अरे उनकी पत्नियां जा रही हैं, वो भी सिर पे कुछ रख करके, कहते ये जा कहाँ रही हैं। और फिर अचानक से ध्यान आता है ग्वाल बाल भी दिख रहे, ओहो अब समझ में आया कहाँ जा रही हैं, अच्छा तो हमारे से काम नहीं बना तो ग्वाल बाल पीछे से काम किए हैं। हाँ स्त्रियां हैं बेचारी, कुछ टोटका वोटका कर दिया होगा इसलिए जा रही हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है टोटका अगर किया तो ये आगे चलना चाहिए था, स्त्रियां पीछे चलना चाहिए था, पर स्त्रियां आगे चल रही हैं और ग्वालबाल पीछे चल रहे हैं, तो ये टोटका कैसा है कि आगे वो स्त्रियां चल रही हैं। तो ये इन लोग को समझ में नहीं आया तो कहते अरे रुको रुको सुनो कहां जा रही हो, इस तरीके से बोलने लग जाते हैं। लेकिन आज इनको संसार का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे कहते कोई भी ताकत नहीं रोक सकता था, क्योंकि एक भक्त भगवान से मिलने जा रहा है। इस कारण से जैसे नदी पर्वत से निकलता हुआ जो पानी है नदी, वो समुद्र में सारी बाधाओं को लांघते हुए समुद्र में मिलने जाता है, वैसे आज एक भक्त भगवान से मिलने जा रहा है, ना पिता रोक पाए ना माता रोक पाई,
ना भाई रोक पाया, ना ससुर, ना कोई रिश्ते नाते नहीं। कई ने तो जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया, फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि उनको बाह्य चेतना ही नहीं था कि कौन मेरा पति है, कौन मेरा पिता है। ये भगवान का दिव्य लीला है। ये भगवान की जो यज्ञ पत्नियां हैं, हम देखेंगे, ये साधारण कोई नहीं है। ऐसा साधारणता नहीं होता है, हम देखने को नहीं मिलता। और देखिए यहाँ पे, जब वो भगवान को जब रुके नहीं, तो ये सारे ब्राह्मण वापस आकर के बैठ गए, कह रहे जब रुक नहीं रहे छोड़ो, कम से कम अपना यज्ञ कंप्लीट करो। ये चलते हुए यमुना नदी के तट को पार करते हुए जब वो भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, वो जो नीले वर्ण के भगवान, सुनहरा उनका पीताम्बरी, कानों में जो कमल के बने हैं कुंडल, केस जो है भगवान के, वो मुख की शोभा बढ़ा रहे हैं। और भगवान को कैसे देखिए कि भगवान एक कंधे पे, अपने ग्वाल बाल के कंधे पे हाथ रखे और दूसरे कंधे, दूसरे हाथ से ऐसे कमल हिला रहे हैं, नटवर रूप। ये चित्त को देख करके वो एकदम उनको मंत्रमुग्ध हो गई ब्राह्मण पत्नियां। और जैसा उन्होंने प्रायः श्रुता प्रियतम उदया करना पूरे, जो उन्होंने सुना रखा था पहले से भगवान के बारे में, वो फिर से एकदम हाव भाव में भेल हो गए। कृष्ण ने उनको देखकर हंसे, मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा, स्वागत है आपका, आइए। अरे भोग भोगी योगी मोक्ष, लोग पता नहीं किस किस कार्य के लिए लोग जाते हैं भगवान के पास, तुम लोग तो प्रेम के कारण, अपने विशुद्ध प्रेम के कारण मेरे पास आई हो। इसलिए क्या भगवान पूछते हैं, प्रयास थोड़ा सा कर रहे होते हैं, भगवान किस अभिप्राय से आई हो, तुम्हारा क्या अभिप्राय है, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, क्या कोई तुमको कुछ प्राप्त करना है। तो गोपियां, माफ करिएगा, गोपियां कह रहा हूं, यज्ञ पत्नियां कहती हैं कि आपको नहीं पता कि हम क्यों आए हैं। ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं, अगर आपको नहीं पता, आपको कैसे नहीं पता, आप हमारे मुख से सुनना चाह रहे हैं, जिनके आप हृदय में हमेशा रह रहे हैं, हृदय में आप हमारे 2400 घंटा हैं, फिर भी आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। तो फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं हमारे मुख से, तो सुनिए, हम आपका सिर्फ दर्शन मात्र करने आए, आपके माधुर्य का दर्शन करना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 26वां और 27वें श्लोक में कि यहाँ पे भगवान कहते हैं, हर व्यक्ति को कोई ना कोई कामना रहता है, किसी को स्त्री की कामना, किसी को पुत्र की कामना, किसी को वैभव की कामना, हर कामना किसी को रहता ही है। भगवान कह रहे हैं, पर आपकी जो आपने कामना बताई ना कि आपको मेरे से, मेरे दर्शन का बस कामना था, ये वास्तव में उत्तम है, सर्वोत्तम है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता है जानते हैं, अपने आत्मा से, अपने से। अरे अपने प्राण की जब रक्षा की बात आती है ना, तो व्यक्ति धन सब कुछ छोड़ देता है। और चूंकि मैं आत्मा का आत्मा हूं, इसलिए आपका मेरे प्रति प्रेम करना ये स्वाभाविक है। और आप तो परम भाग्यशाली हैं कि सब कुछ त्याग कर आप मेरे पास आए हैं। तो अभी आपने दर्शन ले लिया, आप कहीं ना कि दर्शन करने आए, तो दर्शन ले लिया, अब जाइए। जैसे ही भगवान ने ये बात बोली कि दर्शन हो गया, अब आप जाइए, क्योंकि आपके बिना कैसे आपके पति यज्ञ करेंगे। शास्त्र कहता है, शास्त्री को धर्माम चरेत, अरे धर्म के आचरण के लिए स्त्री पत्नी की जरूरत पड़ती है,
इसलिए आप कृपया करके जाइए और यज्ञ को पूर्णता करिए। और चूंकि आप दयालु हैं, मान लीजिए ओके नहीं हमें नहीं जाना है, क्योंकि आते हैं आप दयालु हैं, मेरे भक्त दयालु होते हैं, इसलिए कृपया करके आप जाइए, पुनः वापस जाइए। इस प्रकार से जब भगवान के इन जो हृदय को छेद कर देने वाले शब्द सुनती हैं ये यज्ञिक पत्नियां, उनसे रहा नहीं जाता है, पर एक तरफ उनके मन में चलता है कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा की इच्छा है, एक तरफ भौरी प्रियतम का आदेश भी है। दोनों में ऐसा मंथन उनके जब हृदय में चल रहा होता है, वो सोचती हैं कि चलो कृष्ण से ही पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है हम चले जाएंगे क्योंकि हम तो दासी हैं उनके, एक बार उनके मनोभाव को तो जान लेते हैं क्या वो चाहते हैं। और कहती हैं कि कृष्णा तुम ये निष्ठुर वचन जो बोल रहे हो इसमें असत्यता है। क्यों असत्यता है? क्योंकि इस तुम्हारा ही वाक्य है क्या कि ना निवर्तन्ते परम धामम ना स पुनरावर्तते, अरे जो मेरे एक बार चरण में आ जाता है वो वापस फिर नहीं जाता, फिर तो तुम मेरे हम लोग को वापस भेज रहे हो, हम तो आपके चरण में आए और वापस भेज रहे हैं आप, तो फिर ये कैसा, ये तो बात फिर लोग आपकी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि अरे ये तो हमेशा झूठ बोलते हैं। इसलिए और कहती हैं कि बात रही हमारे पति, देखो जब हम निकले थे ना हमारे पति हमारे पिता सभी ने रोकने का प्रयास किया था, पर हमें कुछ नहीं समझ में आया, हम बस तुम्हारा दर्शन के अभिलाषी थे, और अब हम वापस जाएंगे वो एक्सेप्ट करेंगी, वो तो हमें पतित मान करके हमें धिक्कार देंगे। यहाँ पे जब इस प्रकार से याज्ञिक पत्नियां बोलती हैं तो भगवान को लगता है कि ये अच्छा रेडी हैं जाने के लिए, लेकिन बस इनको ये डर है कि इनके पति इनको शायद नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए भगवान जो हो हैं कहते हैं कि और क्या कह रही है अरिंदम, एक और चीज शब्द छूट गया, अरिंदम, अरिंदम मतलब शत्रुओं का दमन करने वाले। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो अरिंदम भगवान को कहती हैं, देखिए भगवान आपसे मिलने के लिए ना बहुत से हमारे शत्रु हैं जो आपसे मिलने नहीं देते हैं, ऐसे शत्रुओं का आप भी दमन करिए जिससे कि हम आपका हमेशा सेवा प्राप्त कर सकें। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारे पति है ना तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं ये अति आदर के साथ तुम्हारा सम्मान के साथ तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हें ग्रहण करेंगे, इतना ही नहीं देवता तक भी तुमको ग्रहण करेंगे, जो देवताओं की पूजा हो रही थी ना वो देवता भी तुम्हें पूजनीय तुम हो गई उनके लिए। और कह रहे हैं कि मेरा आदेश है इसलिए कोई दोष दृष्टि नहीं करेगा, मेरा वरदान है तुम्हारे संग से, बल्कि उनको भी मेरे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। फिर से मान लीजिए ये गोपियां ये जो स्त्रियां हैं ब्राह्मण पत्नियां ये कह कि क्या हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्या हम आपका सेवा नहीं कर सकती, तो भगवान कहते हैं देखो आप ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, आप अगर मेरा संग करेंगी मेरी दासी बनकर रहेंगे तो लोग कितना निंदा करेंगे, ये निंदनीय कार्य होगा, और जब लोग निंदा करेंगे तो आपको दुख होगा, क्योंकि लोग तो मेरे को कहेंगे देखो कृष्ण ब्राह्मण की पत्नियों की सेवा ले रहा है, तो इसलिए आप कृपया करके वापस चले जाओ, और जा करके आप मन ही मन सेवा से मेरे को चिंतन करना। और यहाँ पे बहुत एक सुंदर श्लोक भगवान उद्धृत कर रहे हैं, 33वां श्लोक, ये दशम स्कंद का जो 23वां अध्याय का 33rd श्लोक है, इसमें हम साधकों के लिए क्या भगवान बोल रहे हैं ये बहुत ही उत्तम चीज हो गए हैं।
क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं श्रवणात दर्शनात ध्यानात अपि भावो अनुकीर्ततात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात्तत गृहान्। भगवान कह रहे हैं कि घर को छोड़ करके मेरे साथ संग करने से अगर हम उसको सोचें, कई बार लोग होते ना सोचते हैं कि घर को छोड़ देंगे, समाज को छोड़ देंगे और हम रहेंगे वृंदावन में, ब्रज में, और ब्रज में शिव राधा रमन जी के मुख को देखेंगे। भगवान कह रहे हैं उससे ज्यादा जो हमारा गौड़ीय वैष्णव, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी के परम गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे आप इस चीज के लिए प्रयास मत करो कि मैं भगवान का दर्शन कैसे करूंगा, आप इस चीज के लिए प्रयास करो कि मुझकी भगवान आपके लिए ललायत हो जाए कि ये कौन है। और यहाँ पे श्रवणात, देखिए यज्ञ पत्नियों ने से श्रवण किया था, प्रेम आ गया, वही भगवान कह रहे हैं ये भागवत जैसे ग्रंथों का जब हम श्रवण करते हैं ना, लव इन सेपरेशन इज ग्रेटर देन लव इन, जो मिलन में जो संभोग में जो आनंद है उससे ज्यादा विरह में आनंद है। और यही गौड़ीय वैष्णव जो हमारे आचार्यों का ये सिद्धांत है लव इन सेपरेशन, महाप्रभु इसी चीज को बतलाने आए हैं कि आप भागवत का श्रवण करते करते, कीर्तन करते करते, अगर हम मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम भागवत का श्रवण करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और वास्तव में यहाँ पे तो भगवान कह रहे कि जो मेरा कथाओं का श्रवण करता है ना, मेरे जो कथाओं का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, उनका जो प्रेम होता है वो ज्यादा होता है, बल्कि जो भगवान के मंदिर में अर्च विग्रहों का दर्शन या उनकी सेवा डायरेक्ट करने से। इसलिए हमारे संप्रदाय में दास दास अनुदास, हम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट की जो प्रिंसिपल है उसको लेते हैं। यहाँ पे जब इस प्रकार से भगवान ने बोला तो फिर जब ब्राह्मण पत्नियां होती है धीरे धीरे जाने लगती है, लेकिन बार बार पीछे मुड़ करके एक बार भगवान को देखने की लालसा रहती है। और इसलिए हमारे रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो ब्राह्मण जो याज्ञिक पत्नियां हैं ना, ये कृपा सिद्ध, तीन भक्त होते हैं ना, साधक सिद्ध, नित्य सिद्ध और कृपा सिद्ध, ये कृपा सिद्ध है क्योंकि ये इतनी भाग्यवान है, इतना आसान नहीं होता है इतना गाढ़ कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाना, कृपा है। लेकिन हमें भी वो कृपा मिल सकती है जब हम भागवत का प्रतिदिन नित्य श्रवण करते हैं अपने गुरु शिष्य परंपरा में। इधर सुखदेव गोस्वामी कहते अरे एक स्त्री को, एक ब्राह्मण की पत्नी को तो ब्राह्मण ने कैद करके रोक लिया था, जाने ही नहीं दिया, नहीं जाना है, उसने उसी समय अपना देह त्याग दिया भगवान का चिंतन करते हुए। हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वहां पे वो मृत शरीर था, क्योंकि भगवान की माया के कृपा से, योग माया से, या तो कर्म बंधन से मुक्त हो गई थी इसलिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी देह त्याग, या भगवान की माया से शायद उसका देह ही मिला ही नहीं, डायरेक्ट वो भगवान के नित्य लीला में चली, जो भी है, जो भी रीजन हो, पर यहाँ पे प्रेम देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि अच्छा ये नहीं सोचिएगा कि अच्छा वो वापस गई तो चलो ठीक है, जब दर्शन आप भी हमको सेवा नहीं दे रहे तो वापस लेके चलते हैं, जैसे कई बार होता है ना हम मंदिर में दान देते हैं, मान लो मंदिर में जो कार्य प्रणाली हमारे कार्य से नहीं चलती, हम कहते हैं वापस हम आपका वो हम जो डोनेशन दिए वापस दीजिए, तो ऐसा नहीं, भगवान वो सब के सब रख करके चली जाती है और भगवान उस भोजन का आनंद लेना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लीला नर वपु, क्योंकि भगवान नर में मनुष्य में लीला कर रहे होते हैं तो उसमें खटास हो जाता, सिंपल सा चीज है,
रसमलाई में नमक डाल दोगे तो अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से भगवान ने सोचा अरे पूरा चटपटा अटपटा हो जाएगा, क्योंकि मैं हूँ गोप वेश में, ये है ब्राह्मण की पत्नियां, ब्राह्मण की पत्नियां जब इस प्रकार से मेरा संग मेरा, तो सब लोग समझ जाएगा ओ ये तो भगवान है, ये है, हो गया पूरा सत्यानाश। इसलिए भगवान और नीलोकम अनुशीलनम, मतलब भगवान एकदम इसीलिए नर के जैसा लीला कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे गोपी नाम भी आया है, गोप गोपी नाम, ये श्लोक चल रहा है 37वां, गोपी नाम, यानी इसका मतलब ये है, हमारे आचार्य विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने क्रीड़ा संग किया था रास लीला से भी पहले। और सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं परीक्षित को, देखो भगवान की अनंत लीलाएं हैं, मैं हर लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। इधर जब गोपियां जो सॉरी यज्ञ पत्नियां जब वापस जा गई, उनके संग के प्रभाव से जब वो दूर से ही देखें अरे ये वापस आ रही हैं, और ऐसा नहीं क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, तो इनको ध्यान आ गया कि यज्ञेश्वर कौन है, दौड़ करके उनको उनका अभिवंदन करते हैं, उनको बैठाते हैं यज्ञ के लिए अपनी पत्नियों को, और निविडम्बयो और अपने आप को धिक्कारते हैं, कहते धिक्कारे धिक्कारे, अरे ये स्त्री जाति की हो करके ना इन्होंने कोई तपस्या किया, ना ये उपनयन संस्कार हुआ, ना ये ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, ना कोई योग पद्धति में है, फिर भी इनको कृष्ण की अनुभूति कृष्ण का प्रेम है, और हम वेदों के अध्ययन कर लिए, उपनयन संस्कार हैं, द्विजो हैं, द्विजो कहने का अर्थ है दो बार जो जन्म लिए, एक बार माता पिता के गर्भ से, एक बार वेदों का जब जो ब्राह्मण इनिशिएशन होता है गुरु और वेद से, हम ये सब कर लिए वेदों को जानते हुए भी, फिर भी हम कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति जो प्रीति है वो जागी नहीं, हम तो नीचे हो। ये है यहाँ पे हमारे आचार्य फिर कहते हैं श्रवणम का महिमा। यज्ञ पत्नी श्रीधर स्वामी कहते हैं इन लोगों को पता नहीं था, श्रीधर स्वामी जो पहले टीकाकार हैं कह रहे हैं कि इन ब्राह्मणों को पता नहीं था कि इनकी पत्नियों ने श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था, भगवान की लीलाओं का। इसीलिए ये जो भागवत है ना, ये भागवत जब सब कुछ चला गया सुखदेव गोस्वामी के मुख से ये निकला भागवत, पीबताम रसमालयम, रस है ये, वेदों का रस है, और इसको रसिक भाव का, रसिक लोग बस पीते हैं और पीते पीते, जैसे मैंगो जूस आदमी पीता पीता थक जाता है सो जाता है ना, वैसे पी पी कर सो जाता है, फिर उठता है, फिर पीता है। मैंगो जूस तो आप पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इसको पीने से कुछ खराबी नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पीते रहो, पीते पीते सो जाओ, फिर उठो, फिर पियो। शायद पीते पीते एक दिन भगवान के हमें भी रस आ जाएगा, ये है भागवत रस। और इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब कहते हैं कि वास्तव में भगवान की बड़ी करुणा है हमारे ऊपर, कह रहे हैं हमारे ऊपर भी करुणा हुई थी, कैसे, गोप सखाओं को जब भेजा था हमारे पास, क्यों भेजा था, भूख लगी थी खाने के लिए, अरे वो तो माया है भगवान की, लक्ष्मी जो कि चंचल है, कहीं स्थिर नहीं होती लक्ष्मी जी, पैसा लोग कहते ना कि आज आया कल चला गया, ऐसे माँ लक्ष्मी जगत को मोहने वाली माँ लक्ष्मी भगवान के चरण में सेवा में संलग्न है, वो माँ लक्ष्मी के जो लक्ष्मीपति हैं उनको भूख लगी है, उनको भूख लगेगी, भूख लग भी गई तो उनको कुछ चाहिए क्या हमसे, लेकिन वो फिर भी हमको भेजे ग्वाल बाल को, क्यों, हमारा कल्याण करने के लिए, अगर ये भगवान की करुणा नहीं है तो हमारा क्या है।
हम बद्ध जीव आत्माएं ऐसे ही भटक रहे थे, प्रभुपाद जी अगर ये ग्रंथ ना दिए होते, भागवत नहीं दिए होते हैं, तो शायद मैं भी आज कहीं बैठ करके लैपटॉप पे कुछ शेयर मार्केट कर रहा होता, और शेयर मार्केट को शेयर कर रहा होता, भागवत को शायद शेयर नहीं करता। ये है प्रभुपाद जी की कृपा, आचार्य की कृपा, ये है एक वैष्णव की कृपा। भगवान कोप सखाओ के माध्यम से, लेकिन अगर हम भी उन ब्राह्मणों की तरह दरवाजे अनसुना कर देंगे इन साधुओं को, अरे ये तो आते रहते फकीर हैं, वो फकीर नहीं है। जब वृंदावन में आपसे कोई मांगता है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि ऐसे धोती खींचते हैं, कुछ दे दो कुछ दे दो, हम सोचते हैं ये फकीर लोग हैं, वो फकीर नहीं है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि ये हमारा कुछ नहीं है, कुछ दे दो, ये सब कृष्ण का है, ब्रजेंद्र नंदन का है। तो उसी तरीके से जब ये साधु हमको कुछ ज्ञान दे रहे होते, तो हमें ये नहीं सुना है ये तो आते ही रहते हैं, नहीं तो हम भी शायद ट्रेन मिस कर देंगे, जैसे ये यज्ञिक ब्राह्मण सोच रहे हैं। इतना अच्छा अवसर था, भगवान की सेवा कर सकते थे। अरे इस यज्ञ का 100 गुना फल था भगवान का सेवा करना। और कहते हैं कि हमने यज्ञ से संबंधित सभी मुहूर्त, स्थान, द्रव्य, यज्ञ, मंत्र, सब चीज का ध्यान रखा, लेकिन जो इन सब के स्रोत हैं भगवान परमेश्वर, उन्हीं को हम भूल गए। हम क्यों भूल गए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान की मोहमोहिनी, जो मोहिनी माया है, उसके कारण। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की माया से कौन छूट सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, देवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, असंभव है जीव को माया से निकल पाना, लेकिन जो मेरा शरण लिया है, मेरे चरणों का, मेरे भक्तों का शरण लिया है, प्रभुपाद जैसे आचार्यों का चरणों का अगर कोई शरण लिया है, तो निश्चित ही उसको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। और व्याकुल हो करके प्रणाम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हे भगवान, क्या कह रहे हैं अगर हम देखें 50वें श्लोक में, तो कह रहे हैं तस्मै नमो भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे। हे कृष्ण, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आपकी मोह माया के कारण हमसे जो गलती हो गई, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें भगवान, हम आपसे क्षमा मांगते हम। और कोई कह सकता है इनको इच्छा है भगवान का, तो प्रश्न उठ सकता है कि ये जा करके माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं, देख भी लेंगे भगवान को। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कुछ ब्राह्मण कह रहे थे हाँ चलो, कुछ ब्राह्मण कह रहे थे नहीं रुको, लेकिन जब एक मत हो गए सब, तो फिर उनको ध्यान आया कंस का। अरे कंस भगवान को मारने के लिए कितना प्रयोजन कर रहा, और जब उनको पता चल जाएगा हम, क्योंकि हम तो मथुरा के ही निकट के हैं, तो कंस हमको एक दिन के दर्शन के लिए मार डालेगा, नहीं यहीं से हम सेवा करेंगे, भगवान का चिंतन स्मरण करेंगे। यहाँ पे बड़ा विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है, वो यज्ञ पत्नियां जो स्त्री जाति की थी, उनको ना लोक की लज्जा, ना शर्म, ना कोई डर, कंस का भय उनको नहीं था, उनको किसी चीज का भय नहीं था कि कंस क्या करेगा या उनके पति स्वीकार करेंगे कि नहीं, उनको सिर्फ कृष्ण प्रेम। इसीलिए ये यज्ञ पत्नियां जो थी, जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू जो ग्रंथ है उसमें कहते हैं, भागवत में इसका वर्णित नहीं किया सुखदेव गोस्वामी, जीव गोस्वामी के अनुसार ये वास्तव में ये जो गोपी जो यज्ञ पत्नियां थी ना, भगवान के साथ गोलोक धाम चली गई थी, जब उन्होंने दर्शन मात्र किया था भगवान, वो जो शरीर रह गया वो छाया रूप था बस। खैर लेकिन भागवत को ही अगर हम लें, तो बाद में यही जो यज्ञ पत्नियां अपने देह को त्याग करने के बाद भगवान को प्राप्त हुई, पर इन यज्ञ ब्राह्मणों के अंदर अभी भी
भय था कंस का। क्यों था? हमारे आचार्य कहते हैं ये भगवान की लीला है। बस इतना ही हम समझ सकते हैं, ये श्रवणम के माध्यम से जो याज्ञिक पत्नियों को प्रेम मिल गया भगवान के प्रति, अगर हम भी प्रभुपाद जैसे आचार्यों के परंपरा में अगर इस भागवत ग्रंथ को निष्ठा पूर्वक ध्यान पूर्वक अगर हम भी सुने, शायद हमें भी इस जन्म में नहीं तो कई किसी जन्म में शायद भगवान के उस दर्शन उस दिव्य लीला में प्रवेश का मौका मिल सकता है। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।